सीएसके और एमआई के एल क्लासिको से हुई है आईपीएल की शुरुआत। ब्लॉकबस्टर मंडे में आज होंगे आमने सामने आरसीबी और केकेआर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज का मुकाबला हमें अबू धाबी में केकेआर बनाम आरसीबी टीम के बीच देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में दोस्तों आरसीबी फैंस की यहां पर मैं बातचीत करूं तो यार इस मुकाबले के पहले ही उन्हें बहुत बड़ा झटका देखने को मिला, जहां पर विराट कोहली ने यह डिसाइड किया कि साल 2021 के बाद वो आरसीबी टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन उसे हम एक अलग स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आज चैनल पर अपलोड होगी। और इसीलिए दोस्तों आज मैंने कंपैरिजन वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि उसका कारण यह भी था कि कंपैरिजन ऑलरेडी इस मुकाबले का हम लोगों ने काफी हद तक कर रखा था और उसका जो है लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्पेशल वीडियो भी डालना था तो उसका भी स्लॉट मुझे खाली चाहिए था। और रही बात विराट के डिसीजन को लेकर, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि बीइंग अ क्रिकेट फैन, फिर आप चाहे किसी भी टीम के फैन क्यों ना हो, हमें डेफिनेटली उनके जो है डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए दोस्तों कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है डेफिनेटली सोच समझ के टीम के फेवर के टीम के महत्व को ध्यान में देकर ही लिया है। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं हमारे इस स्पेशल वीडियो के बारे में, जहां पर हम प्रीव्यू कर रहे हैं बेसिकली इस मुकाबले का। और आप लोगों को तो कंटेंट पता है भाई साहब, कंटेंट इस वीडियो में ना तगड़ा कवर होने वाला है। शुरू से शुरू करेंगे और अंत तक आएंगे, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई साहब यहां पर पिच की कहानी यानी कि पिच रिपोर्ट के सेगमेंट के बारे में। तो भाई साहब अबू धाबी की पिच क्या कह रही है? देखिए ये अबू धाबी की पिच ना हमें चीख चीख के कह रही है कि शुरुआत में यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल सकती है। और जो है जो कल मुकाबला था दुबई में था, वहां पर हम लोगों ने देख लिया कि पिच को यहां पर ग्रीन रखने की कोशिश की जा रही है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था कि भाई साहब कोशिश ही यही होगी क्यूरेटर्स की, क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट चलना है आईपीएल, फिर टी20 विश्व कप, आप चाहते हैं कि पिच जितनी ज्यादा फ्रेश रहे उतना ही बेटर होगा। और यह आपको अबू धाबी में भी देखने को मिल सकता है, यहां पर गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। और रही बात यहां पर टॉस फैक्टर के बारे में, तो साल 2020 में एक ट्रेंड हम लोगों ने देखा था कि दुबई में जहां पर जो टीमें टॉस जीतती वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती, तो वहीं पर दूसरी तरफ हम लोगों ने अबू धाबी में सभी टीमों को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए देखा था। तो अब देखना होगा कि इस बार यहां पर किस तरीके के पिच के लक्षण है, डेफिनेटली पिच पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि जो आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं कि जो टीम अबू धाबी पर ज्यादा चेस करती है वही टीम यहां पर ज्यादा मुकाबले जीतती है। ऑल्दो जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है वो ज्यादा है सेकंड इनिंग की तुलना में, लेकिन फिर भी जो है चेस करते हुए टीमों ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड हमें थोड़े से अजीब थोड़े से पेचीदा नजर आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप यही कह सकते हो कि शायद टीमें यहां पर जो भी टीम यहां पर टॉस जीते वो पहले गेंदबाजी करते हुए आपको देखने को मिल जाए। खैर यार इसके बाद हम आगे बढ़े, बात करें यहां पर माय 11 सर्कल प्रेजेंट प्लेइंग 11 ऑफ द डे के बारे में। तो दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती हैं? अब यहां पर भाई साहब दोनों खेमों से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और मुझे पता है आप सभी लोग इंतजार भी कर रहे हो। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं केकेआर खेमे के बारे में। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि आप टिम साइफर्ट को खिलाओगे तो किसकी जगह खिलाओगे, शाकिब अल हसन को क्या आप मौका दोगे या फिर यहां पर सुनील नारायण को खिलाओगे? देखो भाई साहब रिपोर्ट ये कह रही है ना कि सुनील नारायण खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों आज का मुकाबला सुनील नारायण आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आंद्रे रसल खेल रहे हैं, लॉकी फर्गसन खेल रहे हैं और खेल रहे हैं दोस्तों यहां पर ओइन मॉर्गन। ये चार यहां पर फॉरेन खिलाड़ी आपको देखने को मिल सकते हैं केकेआर टीम में, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। किस तरीके से प्लेइंग 11 होगी, देखिए केकेआर की प्लेइंग 11 यहां पर हो सकती है शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण, ओइन मॉर्गन, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, लॉकी फर्गसन, शिवम मावी या फिर कमलेश नागरकोटी, मुझे लगता है मावी खेलेंगे शायद, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा एंड वरुण चक्रवर्ती। ये यहां पर जो है प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 निकलकर सामने आ रही है केकेआर टीम की इस धमाकेदार मुकाबले के लिए। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर बातचीत करें आरसीबी टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए टिम डेविड को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन मैंने कई बार ये बात आपको रखी कि भाई साहब जो आरसीबी का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा टिम डेविड से हटकर ही सोच रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स एक बार फिर से फाइनली वही दावा कर रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि आरसीबी टीम के प्लेइंग 11 में आपको बेसिकली देखने को मिल सकते हैं विराट कोहली, देवदत्त पाडिकल, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, शहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, काइल जैमसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और उनके साथ युजवेंद्र चहल। ऑल्दो दोस्तों आरसीबी टीम हमें कभी कभी सरप्राइज करती हुई नजर आती है, तो क्या इस बार भी वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। क्या यहां पर वो शहबाज अहमद की जगह एक और प्योर बैट्समैन खिलाने की सोचेंगे? क्या वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो सकते हैं, केएस भारत हो सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि शायद शहबाज अहमद खेल जाए। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और भाई साहब कमेंट सेक्शन की तरफ जा रहे हो ना तो पिंड मैसेज को भी देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको माय 11 सर्कल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। भाई साहब सब लोग इंडियन टी20 लीग के दौरान काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस यहां पर जीतना शुरू कर दिए हैं। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, हमारे लिंक से कितने लोगों ने डाउनलोड किया है आप भी फटाफट से डाउनलोड करो अब, क्योंकि 1500 रुपए का वेलकम बोनस आपको मिलेगा, फिर 20% एक्स्ट्रा कैशबैक इसी लिंक से मिला है, तो उसके लिए आप लोग मुझे थैंक यू भी बोल सकते हो। एंड इनफैक्ट भाई साहब यहां पर मैं सौरभ गांगुली, राशिद खान जैसे चैंपियंस को बीट करने की कोशिश करूंगा और उनको बीट करके 5 गुना ज्यादा कैश यहां पर मैं आसानी से जीतने वाला। जो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, वहां से आके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फटाफट से डाउनलोड कर लो। भाई साहब मैंने तो कर लिया है, आपकी अब बारी है। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। खैर इसके अलावा हम आगे
बढ़े, बात करें यहाँ पर थ्री स्मार्ट स्टैट्स ऑफ द गेम के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पर माई इलेवन सर्कल ने प्रेजेंट किया है। तो भाई साहब पहला स्टैट बहुत ही अच्छा स्टैट है यहाँ पर आरसीबी फैंस के लिए बेसिकली, क्योंकि लास्ट पांच मुकाबले अगर आप देखोगे ना यहाँ पर हेड टू हेड, तो वहां पर पांच में से चार मुकाबले लगातार आरसीबी टीम जीती है और लास्ट चार कॉन्सिक्यूटिव मुकाबलों में डोमिनेट किया है आरसीबी टीम ने केकेआर के खिलाफ। और भाई साहब लेकिन जब आप ओवरऑल स्टैट्स देखते हो ना, तो ओवरऑल जब आप यहाँ पर हेड टू हेड देखोगे तो वहां पर अभी केकेआर आगे है। 14 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं, 13 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। तो डेफिनेटली ये और इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि क्या एक मुकाबला आप और जीतकर यहाँ पर इसको इक्वल इक्वल करोगे, या फिर केकेआर टीम अपने जो है लीड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर दूसरे स्मार्ट स्टैट के बारे में, तो भाई साहब ये यहाँ पर बेसिकली आरसीबी टीम के पक्ष में। आपको बता दो अब्राहम बेंजामिन विस्फोटक डिविलियर्स यानी कि मिस्टर 360 डिग्री के आंकड़े वैसे तो हर टीम के खिलाफ अद्भुत अविश्वसनीय ही रहते हैं, लेकिन केकेआर से इनको थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेम है। भाई साहब लास्ट तीन मुकाबलों में लगातार 50 प्लस की कंसेक्यूटिव पारी खेलकर आ रहे हैं, तो क्या चौथे मुकाबले में भी, मतलब चौथी पारी भी ऐसी कुछ आने वाली है 50 प्लस की? क्या आतिशबाजी पारी आपको एबी डिविलियर्स की देखने को मिलेगी? देखने वाली बात है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद बात करें यहां पर तीसरे स्मार्ट स्टैट के बारे में, तो भाई साहब केकेआर फैंस यहां पर तैयार हो जाएं थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आपके जो दो विस्फोटक खिलाड़ी हैं आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण, हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्या कैलिबर रखते हैं जब फॉर्म में रहते हैं। इनके जो आंकड़े आरसीबी टीम के खिलाफ है ना, उसको देखकर आप और भी ज्यादा यहां पर खुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब आरसीबी के अगेंस्ट इनके भी जो थोड़ा सा लगाव है वो कुछ ज्यादा ही है। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी टीम के अगेंस्ट रहते हैं, तो आरसीबी टीम के गेंदबाजों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चल गए ना तो भाई साहब बहुत पिटाई कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि भाई साहब एक बोनस स्टैट भी यहां पर ले लो कि जो एबी डिविलियर्स हैं उन्होंने साल 2019 से केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, उनसे ज्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो आंद्रे रसल हैं उन्होंने आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं 2019 से, अगर हम कंपेयर करें तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब कितना बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला है। मुकाबला सुपर सेट है और मुकाबला सुपर स्टार ब्लॉकबस्टर वाला होने भी वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़े, बात करें हमारी अपनी स्ट्रैटेजी ऑफ द गेम के बारे में, तो दोनों टीमें क्या अपने थोड़े मतलब तिकड़म लगाती हुई नजर आएंगी एक दूसरे को डिफीट करने के लिए, उसकी थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहले यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा केकेआर टीम के पक्ष में, तो भाई साहब केकेआर के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर आपके सामने एबी डिविलियर्स है ना, तो आप सुनील नारायण को थोड़ा सा गेंद दे दीजिएगा, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं वो एबी डिविलियर्स के मतलब बेसिकली नारायण के सामने उतने कुछ खास ज्यादा अच्छे हैं नहीं। मेरे ख्याल से तीन बार उनको आउट कर चुके हैं और वो थोड़ा सा रोकने की क्षमता रखते हैं विराट कोहली को भी, विकेट शायद उनको उतनी ज्यादा नहीं मिली है, दो बार शायद उनका विकेट चटकाया है, लेकिन उनको रोके रहते हैं, उनको रन नहीं करने देते हैं, जो कि डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट करेगा यहां पर जो है आरसीबी के प्रमुख बल्लेबाजों पर, जब हम बात करते हैं विराट और एबी जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की। और फिर दूसरी स्ट्रेटेजी जो आरसीबी टीम के लिए है, तो भाई साहब वहां पर मैं बात करूंगा एबी डिविलियर्स के बारे में। एबी डिविलियर्स आपकी टीम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, अब इनकी स्ट्रेटेजी यहां पर इनका सक्सेस मंत्र क्या रहा है आईपीएल 2021 में, देखिए भाई साहब ये मिडिल ओवर्स में ना बहुत आराम से खेल रहे हैं, बहुत वक्त लेते हैं, टाइम लेते हैं, और उसके बाद ब्लास्ट करते हैं जाकर ये डेथ ओवर्स में। आप इनके आंकड़े देखोगे तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो मिडिल ओवर में 100 से भी कम का है, मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है ना कि एलियन यहां पर जो है मैदान पर हो, क्रीज पर हो, और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम हो, लेकिन ये इनकी स्ट्रेटजी है, सोचिए समझिए स्ट्रेटजी है, क्योंकि भाई साहब ये पहले गियर में चलते रहते हैं, थोड़ा सा बैल गाड़ी बनने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना असली रूप वो रॉकेट वाला रूप दिखाते हैं, सीधा लॉन्च हो जाते हैं और फिर किसी को नहीं बख्शते हैं, और ये इनकी टेक्निक है खेलने की। तो यहां पर केकेआर के जो फैंस है, जो केकेआर की टीम है, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी जो है मिसाइल लॉन्च हो गई ना तो फिर रोक नहीं पाओगे भाई साहब, ये बात बिल्कुल तय। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़े और बात करें यहां पर इस मुकाबले की थ्री बोल्ड प्रिडिक्शंस ऑफ द गेम के बारे में, तो भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट एक बार फिर से मेरे लिए। अब जो पिछला हमारा प्रिडिक्शन गया था ना, वहां पर तीन में से दो प्रिडिक्शन हमारी सही हुई है, तो अच्छा जा रहा है, देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। अब बात करते हैं पहली जो प्रिडिक्शन है हमारी, दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो यहां पर पेसर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं इस मुकाबले में, डोमिनेट इन द सेंस कि मतलब पेसर्स को ज्यादा अर्ली विकेट मिल सकती है, क्योंकि अबू धाबी की पिच पे हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, शुरुआत में आपको स्विंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, गेंदें लहराती हैं, बाउंस के साथ आती हैं, तो शायद शुरुआती झटके भी आपको देखने को मिले, जो कि मेरा कहने का मतलब है, मेरी प्रिडिक्शन है, मतलब यहां पर पेसर्स थोड़ा सा आपको अर्ली विकेट लाते हुए नजर आ सकते हैं, फिर चाहे वो जो भी टीम के यहां पर पेसर्स क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन है मेरी वो ये है, और ये थोड़ा सा सीरियस प्रिडिक्शन है, कि भाई साहब आंद्रे रसल और एबी डिविलियर्स में से मुझे लग रहा है कोई एक खिलाड़ी ना कल विस्फोटक पारी खेलता हुआ नजर आएगा, अब वो कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में अभी लिखकर बताओगे। और इसके बाद हम बात करें यहां पर हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि विन प्रिडिक्शन के बारे में, तो देखो भाई साहब बहुत टफ है यहां पर कहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ना केकेआर टीम की अगर आप सुनोगे, फिर चाहे उनके कप्तान डेविड हसी, फिर चाहे उनके कोच हो, उनकी यहां पर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहां पर सिर्फ जीत और जीत ही देखने आए हैं, हम अपना सब कुछ यहां पर रखेंगे, क्योंकि वैसे भी दांव पर लगाने के लिए हमारे पास कुछ खास ज्यादा है नहीं, और आपको पता है कि जब शेर जो है थोड़ा सा घायल होता है ना तो थोड़ा सा खतरनाक और ज्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों केकेआर टीम चाहेगी कि सात में से छह मुकाबले उनको जीतने हैं, तो वो मुकाबले वो जीतने की यहां पर कोशिश करें, लेकिन यार ऑन द पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू आरसीबी टीम यहां पर डोमिनेट कर रही है, प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूं आरसीबी, फिर भी अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात है तो भाई साहब आई विल गो विद आरसीबी, आई
आई थिंक दे गोना विन दिस मैच। मुझे लगता है कि आरसीबी ये मुकाबला जीतने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग जरूर से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, माई 11 सर्कल एप्लीकेशन फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लो, क्योंकि भाई साहब आप चाहते हो ना कि आपकी फेवरेट टीम मुकाबला जीते, तो डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आप चाहो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।